Welcome to Al Hadi Foundation School. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today we are going to start our maths lecture from chapter number 2. HCF and LCM, exercise number 2A, book page number 29 and question number 7. क्योंकि question number 4, 5 और 6 इसके हमने पहले सॉल्व किए हैं, तो आज हम इसका question number 7 और 8 सॉल्व करेंगे. तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, देखें. विद द हेल्प ऑफ द रूल ऑफ डिविजिबिलिटी फॉर 8, आपके पास जो नंबर 8 है उसके जो डिविजिबिलिटी रूल हैं उनकी हेल्प से फाइंड आउट विच ऑफ द फॉलोइंग आर डिविजिबल बाय 8. उनकी हेल्प से फाइंड करें कि कौन से नंबर 8 से डिविजिबल हैं. आपके पास जो नंबर 8 के डिविजिबिलिटी रूल हैं उनको फॉलो करते हुए उनकी हेल्प से आप ये बताएं कि कौन से नंबर जो है वो 8 से डिविजिबल हैं. जैसे कि फर्स्ट है आपके पास इसका ए पार्ट 4189. फर्स्ट नंबर क्या है, 4189. और हमने ये चेक करना है कि क्या ये नंबर जो है वो 8 से डिविजिबल है या फिर नहीं है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल अब देखें, 8 नंबर 8 के जो रूल्स था वो रूल था, आपने लिखा भी होगा और याद भी किया होगा, लास्ट सेक्शन में हमने पढ़ा था, वो था कि जो आपके पास नंबर होगा उसके आपने लास्ट 3 डिजिट्स यानी यूनिट 10 और 100 डिजिट को चेक करना है कि क्या वो नंबर जो है वो 8 से डिविजिबल है. अगर तो वो लास्ट 3 डिजिट वाला नंबर 8 से डिविजिबल है तो इट्स मीन आपके जो सारा नंबर होगा ओरिजिनल नंबर वो 8 से डिवाइड हो सकता है. और अगर वो नंबर 8 से डिविजिबल नहीं है तो इट्स मीन वो सारा नंबर जो है वो 8 से डिवाइड नहीं हो सकता. तो देखिए, लुक एट द डिजिट्स इन द हंड्रेड्स टेंस एंड वंस प्लेसेस. इस नंबर के 4189 के आपने लास्ट 3 डिजिट्स हंड्रेड्स टेंस और यूनिट्स डिजिट को चेक करना है कि वो क्या है. अब देखिए यहाँ पे 4189 के जो लास्ट डिजिट्स हैं वो है 189. ये सर्कल आपको नज़र आ रहा है, द नंबर फॉर्म्ड इज 189. तो ये इन तीनों डिजिट्स को चेक करने से जो नंबर आएगा वो क्या बनेगा, आपके पास 189 बनेगा. नाउ लेट अस चेक इफ 189 इज डिविजिबल बाय 8 और नॉट. अब हम ये चेक करेंगे कि 189 जो है वो डिविजिबल 8 यानी 8 से डिवाइड हो सकता है या फिर नहीं हो सकता. अब देखें, 189 जो है वो डिवाइजर के अंदर आया और 8 जो है डिवाइजर के बाहर है. जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 8 2 16 माइनस 16 होगा 2. अभी 2 है नीचे, 2 8 से छोटा है, 2 पे 8 का टेबल नहीं जाता, तो 9 को नीचे लेके आएंगे तो क्या बनेगा, 29. और 29 पे 8 का टेबल 3 टाइम्स जाएगा, 8 3 जा 24, 29 माइनस 24 होगा 5. तो आपके पास रिमाइंडर क्या बच जाएगा, 5. अब आगे और कोई डिजिट नहीं है तो इसलिए हम इसको मज़ीद नेक्स्ट जो है वो सॉल्व नहीं कर सकते. तो अब रिमाइंडर 5 है, इसका मतलब ये हुआ कि 189 इज़ नॉट डिविजिबल बाई 8. 189 जो है वो 8 से डिवाइड नहीं हो सकता क्योंकि इसके नीचे रिमाइंडर बच रहा है, वो है 5. सो द नंबर 4189 इज़ नॉट डिविजिबल बाई 8. इसलिए जो नंबर है 4189 जो है वो 8 से डिविजिबल नहीं है. अब देखें, अब हम इस नंबर को डिवाइड करेंगे 4189 से तो क्या आंसर आएगा, 8 5 जा 40 होगा, 41 माइनस 40 1. अब 1 छोटा है तो 8 आ जाएगा 18, 8 2 जा 16, 18 माइनस 16 2, नेक्स्ट 9 नीचे आएगा तो 29, 8 3 जा 24. अब इसको 4189 को जब हमने 8 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या बच गया हमारे पास, 5. तो इट्स मीन ये जो नंबर है 8 वो एग्जैक्टली डिवाइड नहीं कर रहा 4189 को, क्योंकि इसके नीचे रिमाइंडर जो है वो 5 है. अब ये नेक्स्ट जो है वो क्वेश्चन नंबर 7 का बी पार्ट है, वो देखें वो क्या है, 117,000. अब हमने ये चेक करना है कि ये जो 117,000 है वो 8 से डिविजिबल है या फिर नहीं है. तो देखिए जो लास्ट 3 डिजिट्स हैं इसके वो क्या हैं, तीनों जीरो हैं. और हमने 8 के डिविजिबिलिटी रूल में ये बात पढ़ी थी कि अगर किसी नंबर के लास्ट
थ्री डिजिट्स जो है वो ज़ीरो हो तो इट्स मीन वो इट्स एडमिसिबल है। तो यहाँ पे द लास्ट थ्री डिजिट्स ऑफ 117,000 आर जीरोस, तो तीन डिजिट्स हैं 117,000 के वो ज़ीरो हैं। देन द नंबर 117,000 इज डिविजिबल बाय 8, इसलिए ये जो नंबर है 117,000 वो 8 से डिविजिबल है। जब हम इसको डिवाइड करेंगे 117,000 को 8 से, तो देखें अब सबसे पहले 11 है तो 11 पे 8 का टेबल 1 टाइम जाएगा तो 8 वन 8 हो जाएगा, 11 माइनस 8 3, 7 नीचे लेके आएंगे तो क्या बनेगा 37, 8 4 सा होता है 32, 37 माइनस 32 5 होगा, ये 0 नीचे लेके आएंगे तो क्या बनेगा 50, 8 6 48, 50 माइनस 48 2, अब ये 0 नीचे लेके आएंगे तो क्या बनेगा 20, 8 2 16, 20 माइनस 16 4, ये 0 नीचे आएगा तो क्या बन जाएगा 8 5 40। अब जब हमने 117,000 को 8 से डिवाइड किया तो आंसर क्या है हमारे पास है 14,625, और नीचे रिमाइंडर 0 है तो इट्स मीन 117,000 जो है वो 8 के टेबल से डिविजिबल है बिकॉज इसके नीचे रिमाइंडर जो है वो क्या है 0 है। तो ये हमारा बी पार्ट हो गया। नेक्स्ट स्टेप सी पार्ट देखें। अब सी पार्ट में यहाँ पे आपके पास एक जो नंबर गिवन है वो क्या है 6408, और हमें ये चेक करना है कि 6408 जो है वो 8 से डिविजिबल है या फिर नहीं है। तो देखें सबसे पहले लुक एट द डिजिट्स इन, यहाँ पे टू टाइम इन है तो एक आपने कैंसिल करना है, इन हंड्रेड्स टेंथ एंड वंस प्लेसेस, आपके ये जो नंबर है इसके हंड्रेड टेंथ और यूनिट प्लेसेस में डिजिट्स चेक करने हैं कि वो क्या बन रहे हैं। तो देखें तो हम चेक करेंगे तो वो नंबर क्या बनेगा, द नंबर फॉर्म्ड इज 408, ये जो सर्कल के अंदर नंबर है वो सारा होगा। नाउ लेट अस चेक, अब हमने ये चेक करना है कि 408 इज डिविजिबल बाय 8, अगर 408 जो है वो 8 से डिविजिबल है या फिर नहीं है। जब हम 408 को डिवाइड करेंगे 8 से तो हमारे पास आंसर आएगा 51, क्योंकि 8 5 जा 50 होता है, ठीक है सॉरी 8 5 जा 40 होता है तो 8 नीचे बच जाएगा तो 8 1 जा 8, क्या बनेगा 51। शोज डैट 408 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 8, और ये शो कर रहा है कि 408 जो है वो एग्जैक्टली डिवाइड हो रहा है 8 से। सो 6, इसलिए अब 6408 भी जो 8 से डिवाइड एग्जैक्टली डिवाइड होगा। जब हम चेक करेंगे इसको डिवाइड करके तो देखें 6408 जो है वो डिवाइजर के अंदर होगा और 8 बाहर होगा तो 88 सा 64, तो ये क्या बन जाएगा नीचे 0 बन जाएगा। अब ये 0 जो आपके पास मिड में था इसको हम ऊपर लेके गए हैं क्वेश्चन में, अब 8 नीचे लेके आए हैं और 8 वन सा 8 तो 0 रिमाइंडर होगा। जब हमने 6408 को 8 से डिवाइड किया तो आंसर क्या बन जाएगा आपके पास 801। Hence, 8 divides exactly 6408, leaving no remainder. Hence, के 8 जो है वो 6408 को completely divide कर रहा है बिकॉज के नीचे रिमाइंडर जो है वो 0 होगा। अब नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट हमारे पास जो है वो क्वेश्चन नंबर 7 का और डी पार्ट है। अब क्वेश्चन नंबर 7 के डी पार्ट में आपके पास जो नंबर गिवन है वो है 1,493,600। अब हमने ये चेक करना है कि ये नंबर जो है 1,493,600 ये 8 से डिविजिबल है या फिर नहीं है। सबसे पहले हम इनके 110 और यूनिट डिजिट को चेक करेंगे कि क्या वो 8 से डिविजिबल है या फिर नहीं है। तो इस नंबर के जो यूनिट 10th और 100 डिजिट से वो क्या बन रहा है 600 बन रही है, द नंबर फॉर्म्ड इज 600। नाउ लेट अस चेक इफ 600 इज डिविजिबल बाय 8। अब हमने ये चेक करना है कि क्या 608 से डिवाइड हो रहा है, तो देखें 600 जो है वो 8 से कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है। जब हम 600 को अंदर रखेंगे डिवाइजर के और 8 को बाहर रखेंगे तो 60 पे 8 का टेबल जाएगा 7 टाइम्स, 8 7 का होता है 56। अब 60 माइनस 56 होगा 4 और 0 नीचे लेके आएंगे तो क्या बन जाएगा 40, तो 8 5 जा 40, इट मीन्स जब हम 600 को 8 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा 75। Shows that 600 is exactly divisible by 8, और ये शो कर रहा है कि 600 जो है वो exactly 8 से डिवाइड हो रहा है। सो 1,493,600 इज डिविजिबल बाई 8, इसलिए हमारे पास ये जो नंबर है 1,493,600 जो है वो 8 से कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है। अब देखिए जब हम इस नंबर को 493,600 को जब 8 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा,
अब सबसे पहले 14 पे 8 का टेबल वन टाइम जाएगा, इट कौन सा 8 होगा, 14 माइनस 8 6 होता है, तो ये नीचे क्या आएगा 9, ये 69 बन जाएगा, 8 8 सा 64, 69 माइनस 64 होगा 5, ये 3 नीचे आएगा, तो 8 8 6 सा 48, 53 माइनस 48 हमारे पास क्या बचेगा 5, ये 6 होगा तो ये 56 बन जाएगा, 8 7 सा 56, तो रिमाइंडर क्या होगा आपके पास 0, और जब हम इसी 1,403,600 को डिवाइड करेंगे जब 8 से, तो आंसर आएगा 186,700. Thus, 8 divide exactly 1,193,600 leaving no remainder. इसलिए अब ये जो हमारे पास 8 है वो completely divide कर रहा है 1,403,600 को, because इसके नीचे जो remainder है वो 0 है, तो इट्स मीन ये 8 से completely divisible है. नेक्स्ट, अब आप क्वेश्चन, आपके पास क्वेश्चन नंबर सॉरी एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन नंबर 8 है जो कि इसका लास्ट क्वेश्चन है, वैसे 1, 2, 3 रहते हैं वो भी हम करेंगे. तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, चेक विद द हेल्प ऑफ द रूल ऑफ डिविजिबिलिटी. आपने रूल ऑफ डिविजिबिलिटी की हेल्प से ये चेक करना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर डिविजिबल बाई 9, कि कौन कौन से नंबर जो है वो 9 से डिविजिबल हैं. तो फर्स्ट जो आपके पास ए नंबर है वो है 1,873, और हमने ये चेक करना है कि ये नंबर 9 से डिविजिबल है या नहीं है. तो इसके लिए 9 का जो डिविजिबिलिटी रूल था वो क्या था कि इसका जो सम ऑफ डिजिट है, अगर तो सम ऑफ डिजिट्स 9 से डिविजिबल है तो इट्स मीन जो नंबर ओरिजिनल नंबर होगा वो 9 से डिवाइड हो रहा है. लेकिन अगर सम ऑफ डिजिट्स जो है वो 9 से डिविजिबल नहीं है तो इट्स मीन वो नंबर 9 से डिवाइड नहीं हो सकता. तो देखिए, वी चेक द सम ऑफ डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 9 और नॉट. सबसे पहले हमने ये चेक करना है कि इसके जो सम ऑफ डिजिट्स हैं ये सारे 9 से डिवाइड हो रहे हैं या फिर नहीं हो रहे. तो डिजिट्स क्या हैं, 1+8+7+3, 8+1 9, 9+7 16, 16+3 19. तो 19 जो है वो 9 से डिवाइड नहीं हो सकता, 19 इज नॉट डिविजिबल बाय 9. सो 1,873 इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 9. इसलिए अब 1,873 जो है वो 9 से डिवाइड नहीं हो रहा. अब देखिए, हम इसको डिवाइड करेंगे 9 से, तो सबसे पहले आपके पास हो जाएगा 9 2 18, ये कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है इससे, ठीक है. तो ये 73 को जब नीचे लेके आएंगे तो 9 8 72, तो रिमाइंडर क्या आएगा आपके पास 1, ठीक है. दस 9 नॉट डिवाइड्स 1,873 एग्जैक्टली लीविंग वन रिमाइंडर. तो 9 जो है वो 1,873 को कम्प्लीटली डिवाइड नहीं कर रहा, क्योंकि इसके नीचे रिमाइंडर जो है आपके पास 1 है, इसलिए ये नंबर 9 से डिवाइड नहीं हो सकता. नेक्स्ट बी पार्ट देखें, वो बी पार्ट में क्या है, 2,457. अब हमने ये चेक करना है कि क्या 2,457 जो है वो 9 से डिविजिबल है या फिर नहीं है. तो वी चेक द सम ऑफ डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 9 और नॉट. इसके लिए हम ये चेक करेंगे कि जो सम ऑफ डिजिट्स हैं इस नंबर के वो 9 से डिविजिबल हैं या फिर नहीं है. तो देखें, 2+4+5+7, जब 4+2 6, 6+5 11, एंड 11+7 18. अब 18 जो है वो 9 से डिविजिबल है, 18 9 से डिवाइड हो रहा है, रिमाइंडर क्या आता है 2 क्वेश्चन होता है 2. सो 2,457 इज डिविजिबल बाय 9, इसलिए 2,457 जो है वो 9 से डिविजिबल है. देखिए, जब हम इसको 9 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, सबसे पहले आप देखें 24 पे 9 का टेबल 2 टाइम जाएगा, 9 2 18, 24 माइनस 18 6 होगा, नीचे 5 लेके आएंगे तो क्या बनेगा 65, 9 7 63, 65 माइनस 63 2 7, नीचे लेके आएंगे तो 27, एंड 9 3 27, तो रिमाइंडर क्या होगा 0, और क्वेश्चन क्या है 273. इट्स मीन जब हम 2,457 को 9 से डिवाइड करें तो आंसर क्या आता है 273. दस 9 डिवाइड्स एग्जैक्टली 2,457 लीविंग नो रिमाइंडर. इसलिए ये जो है 9 जो है वो 2,457 को कम्प्लीटली डिवाइड कर रहा है, क्योंकि इसके नीचे रिमाइंडर जो है वो 0 है. तो ये हमारा इस क्वेश्चन का बी पार्ट भी हो गया. नेक्स्ट, अब सी पार्ट है क्वेश्चन नंबर 8 का, उसमें कौन सा नंबर गिवन है आप हमें, 6,083. अब हमने ये चेक करना है कि 6,083 जो है वो 9 से डिविजिबल है या फिर नहीं है. नाउ
वी चेक द सम ऑफ डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 9 आर नॉट. अब हमने ये चेक करना है कि इसकी जो सम ऑफ डिजिट्स है वो 9 से डिविजिबल है या फिर नहीं है. तो देखिए 6 प्लस 0 प्लस 8 प्लस 3, 6 प्लस 8 14, 14 प्लस 3 17, 17 इज नॉट डिविजिबल बाय 9. तो 17 जो है वो 9 से डिवाइड नहीं हो सकता. सो 6083 इज नॉट डिविजिबल 9. इसलिए जो 6083 है वो 9 से डिवाइड नहीं हो रहा. अब देखें 6083 को जब हम 9 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 9 6 54, 60 माइनस 54 क्या होगा 4. अब ये 8 नीचे आएगा तो क्या बनेगा 48. तो 9 5 45 होता है. 8 माइनस 5 3 और ये 3 होगा तो क्या बनेगा 33. तो 9 3 27, 33 माइनस 27 6, रिमाइंडर आपके पास क्या होगा 6. जब हम 6083 को 9 से डिवाइड करें तो हमारे पास रिमाइंडर जो है वो 6 होगा. तो इट्स मीन 6083 जो है वो 9 से कम्प्लीटली डिवाइड नहीं हो सकता क्योंकि रिमाइंडर नीचे क्या है 6 है. तो 6083 इज नॉट डिविजिबल बाय 9 अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ नंबर 9. नेक्स्ट अब क्वेश्चन नंबर 8 का लास्ट पार्ट है, डीप पार्ट. उसमें अब देखें जो नंबर गिवन है वो क्या है, 950,283. ये नंबर है और हमने ये चेक करना है कि क्या ये नंबर 950,283 जो है वो 9 से डिविजिबल है या नहीं है. देन वी चेक द सम ऑफ डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 9 और नॉट. अब हमने ये चेक करना है कि जो सम ऑफ डिजिट्स हैं वो डिविजिबल है 9 से या फिर नहीं है. देखें ये आपके पास डिजिट से 9 प्लस 5 प्लस 0 प्लस 2 प्लस 8 प्लस 3. जब हम इनको प्लस करेंगे देखिए 9 प्लस 5 कितना होगा 14, 14 प्लस 0 14, 14 प्लस 2 16, 16 प्लस 8 24, 24 प्लस 3 27. तो आंसर क्या होगा 27. एंड 27 इज डिविजिबल बाय 9. 27 जो है वो 9 से डिवाइड हो सकता है क्योंकि रिमाइंडर इसका क्या आएगा 3. अब देखें सो 950,283 इज डिविजिबल बाय 9. इसलिए 950,283 जो है वो 9 से डिवाइड हो सकता है. अब देखें जब हम 950,283 को 9 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या होगा, 9 1 होगा 9. ठीक है, अब ये 50 नीचे लेके आएंगे तो क्या बन जाएगा 9 5 45. अब 50 माइनस 45 होगा 5, फिर 2 नीचे लेके आएंगे तो क्या बनेगा 52, फिर 9 माइनस 45 दोबारा होगा 52 माइनस 45 7, अब 8 नीचे लेके आएंगे तो क्या बनेगा 78. अब देखें 9 8 78 होगा, सॉरी 9 8 72 होगा. तो 72 माइनस 78 आपके पास होगा 6. ठीक है, 6 नीचे 3 नीचे लेके 63 हो जाएगा. तो 9 7 63, रिमाइंडर क्या होगा 0. इट्स मीन जब हम 950,283 को 9 से डिवाइड करें तो आंसर क्या आता है 15,587 और रिमाइंडर नीचे क्या होगा 0. तो दस 9 एग्जैक्टली डिवाइड्स 950,283 लिविंग नो रिमाइंडर. इट्स मीन कि 9 जो है वो कम्प्लीटली 950,283 को डिवाइड कर रहा है, उसके नीचे रिमाइंडर भी 0 है. तो ये हमारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 7 और 8 भी हो गए. तो अब इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 रहते हैं जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे. तो ये एक्सरसाइज 2A के जो सॉल्यूशन थे, सॉल्व क्वेश्चन देने वाले क्वेश्चन थे, वो कंप्लीट हो गए हैं. अल्लाह हाफिज़.